हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अदर वीडियो, जहां आप देखने वाले हैं कुछ हैरत अंगेज मशीनें जिनका काम करने का तरीका सबसे अलग और पावरफुल है। तो चलिए देखते हैं कुछ कमाल की मशीनें। नंबर 1, स्लॉग टोरस। ये मशीनें खास तरह की ट्रांसपोर्टर है। ये मशीन बहुत ज्यादा मजबूत बनाई जाती है। इस मशीन में किसी भी भारी सामान को ले जाने और यहाँ तक के लावा को भी ले जाने की एक तरह की विशिष्ट क्षमता है। लावा जैसी चीजों किसी भी चीज को गलाने में समय नहीं लगाती। उस चीज को ये ट्रक बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होता है। नंबर 2, KFS 1150। देखिए, जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ की सड़कों पर बर्फ जमा हो जाती है, जिसे किसी इंसान के द्वारा हटाना नामुमकिन है और इसीलिए यूज में लाई जाती है ये मशीन, जिसके आगे लगे हुए रोटेटिंग धारदार ब्लेड्स बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों को काट कर अपने फब्बारे से रोड से दूर फेंक देते हैं। इन मशीनों का यूज वैसे तो हर एक बर्फीली जगह पर किया जाता है, लेकिन इनका मुख्य रूप से यूज हवाई अड्डों पर किया जाता है। नंबर 3, आर्कटिक मशीन। इस मशीन का यूज आर्कटिक जैसी सबसे कठोर शीतकालीन जगह पर होता है, जो पूरे साल सड़कों, राजमार्गों और हवाई अड्डों की बर्फ हटाने में व्यस्त रहती है। इस मशीन के आगे और साइड से स्क्रैपर इक्विपमेंट लगे होते हैं, जिनसे ये मशीन रोड्स की बर्फ को साइड में फेंकती जाती है। इस मशीन की शुरुआत 1800 ईस्वी में की गई थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मशीन सबसे पहली बर्फ हटाने वाली मशीन थी। नंबर 4, स्क्रैपर सिस्टम। बर्फीले इलाकों में जब गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी रहती हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारी बर्फ जमा हो जाती है, जिसे हटाने के लिए रोड्स पर कुछ इस तरह के स्क्रैपर सिस्टम लगे होते हैं, जिन पर आपको करना बस इतना होता है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को इनके नीचे से गुजारते हैं, तो इसके साइड में एक रिमोट रखा होता है, जिसकी मदद से स्क्रैपर को गाड़ी के बराबर करना होता है और उसके बाद ये स्क्रैपर सिस्टम बड़ी आसानी से गाड़ियों के ऊपर से बर्फ को हटा देते हैं। नंबर 5, JCP फास्ट ट्रैक। अभी जो आप देख रहे हो, ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला ट्रैक्टर है, जिसकी टॉप स्पीड 247 किलोमीटर पर हावर की है, जो 217 किलोमीटर पर हावर की औसतन गति से चलता है। इस ट्रैक्टर को विशेष रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था और उसी अनुसार इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ सबसे तेज चलने वाला ट्रैक्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। नंबर 6, डीजल मैन स्ट्रो मास्टर। जब खेत से फसल को काटा जाता है, तो उस फसल की अनवांटेड घास खेत में ही रह जाती है और उस अनवांटेड घास को खेत से बाहर करने के लिए यूज में लाई जाती है ये मशीन, जिसमें 4 पंक्तियों में 32 इंच के स्ट्रो लगे होते हैं, जो खेत से अनवांटेड घास को बाहर निकाल देते हैं। नंबर 7, फाल्च। आपने सड़कों पर अनवांटेड घास को देखा होगा, जो सड़क के बीचों बीच और किनारों पर होती है, तो भाई उसी घास को ये रोबोटिक मशीन पहले तो काटती है, फिर उसे अपने वैक्यूम से अपने अंदर स्टोर कर लेती है, फिर सड़क को पानी से धो देती है, जिससे सड़क पूरी तरह से क्लीन हो जाती है और एकदम नई सी लगने लगती है। नंबर 8, मारियो ट्यूरियन। इस मशीन का काम चारा काटने में या फसल को काटने में किया जाता है। ये मशीन एक तरफ से फसल को काटकर दूसरी तरफ से लाइन से घास को निकाल दी जाती है और साथ ही फसल को ये मशीन बड़ी तेजी और साफ तरीके से काटती है। ये मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। नंबर 9, बीट रोट हार्वेस्टर। देखिए, बड़े पैमाने पर चुकंदर की कटाई करना बेहद ही चैलेंजिंग काम होता है और इसे करने के लिए कई प्रभावी तरीकों में से एक तरीका इस मशीन का यूज करना होता है। ये मशीन गति और पॉवर्टी का एक अनोखा संगम है, जिसके कारण ये मशीन चुकंदर की कटाई के लिए बेहद ही बेस्ट ऑप्शन है। इस मशीन के आगे लगे हुए धारदार रोटेटिंग ब्लेड्स चुकंदर को पौधे सहित काट कर अपने पीछे स्टोर करते जाते हैं, जिन्हें ये मशीन उन चुकंदरों को रोटेटिंग लिफ्ट से साथ चल रहे कंटेनर में स्टोर कर देती है। नंबर 10, मेस्ट्रो 16। ये एक प्लांटर है, जिसे ट्रैक्टर के पीछे सेट किया जाता है और ये प्लांटर कई तरह की विशेषताओं से भरा हुआ होता है। इस प्लांटर की मदद से मकई, सोयाबीन, सूरजमुखी और भी कई तरह की फसलों को बोया जाता है। इसमें एक स्टोर बॉक्स होता है, जिसमें पहले से बीजों को स्टोर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये प्लांटर खुद से जरूरत के हिसाब से उन बीजों को धीरे धीरे निकालता जाता है और प्रत्येक बीज को सही गहराई और सही अंतराल पर ऑटोमेटिक ये मशीन डालती जाती है। नंबर 11, JCB 8330। इस ट्रैक्टर के पीछे एक बड़ा सा टैंक लगा होता है, जिसमें तरल खाद को डाला जाता है और इस टैंक के पीछे रिफिल करने के लिए बड़ा सा इक्विपमेंट लगा होता है, जिसकी मदद से खेत के बड़े हिस्से में एक ही बार में तरल खाद को रिफिल कर दिया जाता है और ये पद्धति टेक्निकली खेती के लिए काफी यूजफुल भी है।
नंबर 12 रिवर्सिबल प्लाउस। ये हल एक तरह के अर्थ डिजाइनर होते हैं जो खेत को अधिक गहराई तक खोदने में सक्षम होते हैं। अक्सर अन्य जुताई उपकरणों जैसे डिस्क के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है और ज्यादातर विदेशी रोपण के लिए भी इनका यूज करते हैं। नंबर 13 ओलर अलासिन। ये कला डेनिश कलाकार ओलर अलासिन द्वारा बनाई गई है। ये एक रोटेटिंग व्हील होते हैं जिनमें फूलों के गमलों को रखा जाता है और ये व्हील हर वक्त धीमे धीमे घूमते रहते हैं। इनकी सबसे खास बात होती है कि ये व्हील नदियों या तालाबों के किनारे ही सेट किए जाते हैं। जब ये व्हील घूमते हैं तो धीरे धीरे सारे फ्लावर्स में अपने आप पानी चला जाता है, जिसके कारण फूल तरोताजा रहते हैं और बाद में इन्हें ही मार्केट में बेचने के लिए रेडी कर दिया जाता है। नंबर 14 LKW बैगर। जो खुली नालियां होती हैं उनमें मिट्टी और कचरा जाता रहता है, जिसके कारण वे नालियां कूड़े से भर जाती हैं। उन्हें साफ करने के लिए वैसे तो कई टूल होते हैं, लेकिन ये मशीन उन सब में सबसे यूजफुल है। इसका लगा हुआ खोंचा टाइप आसानी से नालियों से मिट्टी बाहर निकाल देता है। वैसे इस मशीन का यूज नालियां बनाने के लिए भी किया जाता है। नंबर 15 द कैटरपिलर P11T। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बुलडोजर है, जिसका यूज बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजना में होता है। इसका कुल वजन 104 टन, लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 15 फीट और ऊंचाई 16 फीट है। इसका विशालकाय स्कूप 350 फीट जमीन को साफ करते हुए चलता है। नंबर 16 बर्किन 250i। ये एक बहुमुखी कोल्ड मिलिंग मशीन है। इसे विशेष रूप से डामर और कंक्रीट सतहों पर कुशल और सटीक मिलिंग संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। और तो और इसमें हाई कैपेसिटी के इंजन का दावा किया जाता है, जो असाधारण मिलिंग शक्ति प्रदान करता है। नंबर 17 कैट 6040। इस मशीन का वजन 1400 टन होता है, जिसे बड़े पैमाने पर उत्कलन परियोजना में यूज किया जाता है। इस मशीन में उत्कलन करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ा खांचा होता है, जो 34 घन मीटर तक की मिट्टी को एक बार में भर लेता है। नंबर 18 मल्टी हेड ब्रीकर। इस मशीन में कई सारे ब्रीकर लगे होते हैं जो सड़क को बनाते वक्त उसे दबाने का काम करते हैं, जिससे सड़क दब जाती है और गड्ढे भी भर जाते हैं। नंबर 19 PH4800। ये मशीन अत्यधिक शक्तिशाली मशीन है, जैसे भारी मात्रा में खनन जैसे कार्यों में यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉनिक रॉप सोवेल की विशाल 135 टन पेलोड क्षमता है और यह लो एस्कोर तांबे जैसी सबसे कठिन सामग्री के खनन के काम में लाई जाती है। इस मशीन का खांचा चैन से बंधा होता है और चैन से ही खांचे को खींचा जाता है। नंबर 20 बीट हार्वेस्टर। इस मशीन का काम किसानों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। ये मशीन गेहूं के खेत में गेहूं के पेड़ों को काटकर ऑटोमेटिक उसका बंडल बनाकर साइड में फेंकती जाती है। और इससे भी अधिक एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन आती है, जो गेहूं की फसल को काटकर उससे गेहूं को निकालकर साइड में चल रहे कंटेनर में स्टोर करती जाती है, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसे ये मशीन अलग फेंकती जाती है।